तो मैं बता दूं, ये प्राचीन मंदिर है जो मैं यहाँ पर लाइव चलाने आया हूँ। तो ये पड़ता है शाहजहाबाद में पड़ता है और रामपुर। तो इस मंदिर पर काफ़ी मान्यता है और काफ़ी भीड़ थी, और इसमें जब हम आए थे तो मंदिर के कमेटी द्वारा एंट्री हुई थी हमारी और एंट्री नहीं हो रही थी। तो काफ़ी मान्यता है इस मंदिर की। तो इसमें जो ये टेंट लगा हुआ है, इसमें हमारा लाइव चल रहा था और हम यहाँ पर लाइव चलाने आए थे। तो अंदर थोड़ा घूम के देखते हैं मंदिर कैसा है। तो मैं बता दूँ, यहाँ पर हम जब सुबह आए थे काफ़ी भीड़ थी यहाँ पर और काफ़ी मान्यता बताई जाती है। आसपास के लोग काफ़ी आते हैं यहाँ पर, देख सकते हो आप लोग। तो काफ़ी भीड़ रहती है सुबह से यहाँ पर। तो शिवलिंग देखते हैं, तो जल जिस पे चढ़ता है। तो जो शिवलिंग है, तो अंदर चल के देखते हैं। तो ये शिवलिंग है यहाँ पर, देख सकते हो। मुझे लगता है लिख यहाँ पर प्रकट हुई है ये चीज़। तो मैंने आपको दिखाया कि मंदिर कैसा है, लेकिन तक आप देख रहे हो बज रहा है, तो ढाई बज रहा है, तब भी देख लो भीड़ काफ़ी है, आप देख सकते हो। आप टाइम देख लो और टाइम के पश्चात देख लो कि जब सुबह कितनी भीड़ होगी। अगर 2:30 बजे इतनी भीड़ है तो सुबह कितनी भीड़ होगी। आप ही यहाँ पर देख सकते हो, चल रहा है भंडारा और मान्यता। जब मैं आया था तो प्रशासन ने एंट्री नहीं की थी मेरी। तो देख सकते हो आप, तो यहाँ पर भंडारा चल रहा है काफ़ी। तो भाई आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हो कि यहाँ की मान्यता कितनी है। तो ये पड़ता है चंदौसी रोड पर। तो ये चंदौसी रोड पर पड़ता है।